वेलकम टू क्रीमी इंडिया। आज हम बनाएंगे राजस्थान की प्रसिद्ध मसाला राबड़ी। वैसे तो राबड़ी कई तरह से बनती है, लेकिन हम इसे बनाएंगे आज जो लहसुन और धनिए का यूज़ करते हुए। राजस्थान के कई इलाकों में गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, तो सब्जी की कमी हो जाती है, तो ऐसे में हम सर्दी के अंदर राबड़ी, पापड़, मंगोड़ी अगर बना के रखते हैं और इसे स्टोर करके रख सकते हैं। फिर जब कभी सब्जी नहीं हो कोई घर में, तो हम राबड़ी का यूज़ करते हुए उससे सब्जी बनाते हैं और ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने लिए हैं छाछ और एक कटोरी मक्की का आटा, नमक, लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया और लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले मैंने ये लिए छाछ, इसमें मैं डालूँगी मक्की का आटा, थोड़ा थोड़ा मक्की का आटा डालेंगे और फिर हम इसे फेंटेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहने चाहिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ऐसे हम इसमें डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहे। ये देखिए मैंने रही से इसे अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मैंने डाला इसमें एक चम्मच जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे नमक और डालेंगे लाल मिर्च। मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें हमें, तो इससे इसका रंग थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है, इसलिए हम मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालेंगे थोड़ा। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसे मिला लेंगे, अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सा हमारा ये बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे पकाएंगे गैस पे। अब मैंने गैस ऑन किया है और इस पर मैंने चढ़ाया है राबड़ी का जो घोल बनाया था, और अब हम इसे पकाते हैं। पहले तो फ्लेम को थोड़ा हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे, फिर जैसे जैसे बॉयल होएगी थोड़ी गाढ़ी होने स्टार्ट होएगी, फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसे चलाते रहना लगातार ताकि नीचे को ये चाटे नहीं राबड़ी। ये देखिए राबड़ी हमारी पक रही है अभी, जब तक इसमें बबल्स नहीं आते हैं और ये बॉयल नहीं होती तब तक इसे पकाना है हमें। राबड़ी ऐसी सब्जी है जो कभी हमें कोई सब्जी समझ में नहीं आ रही हो तो फटाफट से राबड़ी की सब्ज़ी बनाई जा सकती है, खाने में बहुत टेस्ट लगती है। ये मैं इसे हिलाते रह रही हूँ लगातार ताकि नीचे जो भगोने के चाटे नहीं है, इसे हम लगातार हिलाते रहेंगे ऐसे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती है। थोड़ा थोड़ा बॉयल आना शुरू हो गया है इसमें, अभी हल्की हल्की हमारा जो घोल है थोड़ा गाढ़ा होगा। ये देखिए हमारी राबड़ी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ी सी छाछ और मिला सकते हैं। ये देखिए हमारा घोल थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और इसमें से थोड़ी खुशबू भी आने लगी है, हल्की कढ़ी जैसी खुशबू आने लगी है इसमें से, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं वैसे थोड़ा वैसे स्मेल आती है इसमें से। अभी देखिए थोड़ा हल्का हल्का और गाढ़ा हो रहा है, मुझे इसे हिलाते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अभी इसे मुझे पकाते 20 मिनट हो गए पूरे और हमारा घोल भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ये बबल्स आने लग गए हैं इसमें। ये देखिए हमारा घोल एकदम रेडी है, बिल्कुल पक चुका है, ये गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम इसकी बनाएंगे राबड़ियाँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे ली एक प्लास्टिक की मैंने एक शीट ले ली है, इस शीट के ऊपर मैं डाल के दिखाती हूँ आपको ये राबड़ी। इस शीट को बिल्कुल साफ़ कर लिया मैंने। अब ये हमारा जो घोल है इसे मैं चम्मच से फैलाऊँगी, एक चम्मच लेंगे घोल और प्लास्टिक जो शीट है इस पर डालते हैं और गोल गोल इसे फैलाते हैं। ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे क्योंकि सूख के और पतला हो जाता है, हल्के हाथ से इसे फैला देते हैं ऐसे। ऐसे मैं सारे राबड़े बना लूँगी।
इसे सूखने में एक से दो दिन तो लगेंगे। दो दिन में सूखकर एकदम रेडी हो जाएगी हमारी राबड़ी। ये देखिए हमने राबड़े बना लिए। और ये देखिए हमारे सन भी जो राबड़े बनाने का इंटरेस्ट है, इसको बच्चों को बहुत शौक होता है। ये देखिए इसकी राबड़ी बन रही है। ये देखिए मेरा बेटा राबड़ी बना रहा है। गोल गोल राबड़ी बन रही है इसकी। शेप बिल्कुल गोल नहीं है, लेकिन फिर भी बनाने का शौक है बच्चों को, तो कर रहा है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी मैंने राबड़ी बना के सारी हमारे तैयार हो गई सारी राबड़ियाँ। देखिए अब इसको मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। अब ये सूखने में एक या दो दिन लगेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनती है राबड़ियाँ। हमारी राबड़ी जो है एकदम सूख के तैयार हो गई है, और देखिए बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट सी हुई है सूख के बिल्कुल। अब हम इसे टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके ऐसे, और फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी हमारा सब्ज़ी बनाने का मन हो तो हम इसे सब्ज़ी बना सकते हैं। तो आपको राबड़ी बनाने की रेसिपी कैसे लगी, अच्छी लगी तो आप मुझे बताइएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।